गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आज संडे है और सुबह के 7:30 बजे हुए हैं। संडे की वजह से गोलू और मोनू आज उठे भी नहीं है, सोए हुए हैं। देखो ये बहुत लेट उठते हैं, आपके लिए तो मंडे हो गया, आप लोग को कल देखेंगे। और मैंने सुना गोलू की तबीयत भी खराब है, क्या हो गया? बड़ा दर्द हो, घर घर दर्द कल बुखार हो गया गोलू को। और ये काजल देखो क्या हालत है इसकी, सुबह उठते ही बहुत ही खराब हालत है। गोलू उठा कौन ना, गोलू को डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा। अभी मुझे थोड़ी सी सानी काटनी है, उसके बाद फिर तैयार होके शॉप पे जाना है। उठते पता नहीं क्या पीती है, क्या क्या ले रखे मोनू, दूध चा दिखा दिखा। मोनू उठते ये एक कोबर की पी जाती है, फूल है कितना बड़ा है, थोड़ा मैंने पिला दे थोड़ा सा, इसे पिला दिया पर इसको दिक्कत बहुत हो गई पिलाने में। नहीं उठ जा बोलो, ये नहीं उठेगा आज, इसका है बुखार, गर्म है हाथ काफी, डॉक्टर के लेके चले। ठीक है, मैं अभी शॉप पे पहुंच चुका हूँ और मैंने सारी साफ सफाई कर ली। आज थोड़ा लेट तो हो गया था मैं, पर ठीक है कोई नहीं। तो मैं घर आ गया हूँ खाना खाने के लिए, और आज कुछ नया ही बनाया है खाने में, सिंपल चीजें नहीं है। क्या नाम है? वड़ा और मसाला डोसा। वड़ा और मसाला डोसा, तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है वड़ा और मसाला डोसा। काजल और शशांक भी घर पे ही है क्योंकि आज संडे है, मौज कर रहे हैं बिल्कुल आराम से। क्यों शशांक? हाँ। शशांक की सुबह तबीयत खराब थी पर अब ठीक लग रहा है कुछ, लेकिन गले में तो खुशा ही रहता है कुछ इसके। मैं दिखाता हूँ आपको, तो आज ये बनाया है नया खाने में, ये देखो, ये लस्सी है, डोसा और बड़ा पाव। ये देखो कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताना। मैंने खाना तो खा लिया है और आज मैं जाऊंगा अपने गांव के मंदिर में जिसको हम जोड़ भी बोलते हैं, तो मिलते हैं वहीं पे। मैं, शशांक, काजल तीनों जाएंगे बाइक पे अब मंदिर में, बाइक पे। ये देखो, तो चलो चलते हैं। ये है हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल, आज संडे है इसलिए बंद है, वैसे भी इसमें स्टूडेंट बहुत कम आते हैं। ये देखो थोड़ा आगे चल के मंदिर है, अभी दिखाते हैं हमारे गांव का मंदिर देखो। और ये उस साइड है और उस साइड इसकी दीवार गई हुई है वहाँ तक, और बहुत बड़ा है। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। वाटर कूलर लगा हुआ है और ये इस साइड पानी की टंकी है, और ये देखो इस साइड यहाँ पे मेला भी भरता है साल में एक बार, इस साल नहीं भरा क्योंकि कोरोना की वजह से। और ये यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर। अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हनुमान जी की मूर्ति है। और दूसरी दिखाता हूँ, ये आगे चलते हुए राम राम बोल। यहाँ भी बहुत अच्छा माहौल रहता है, हमेशा पक्षी से साथ रहते हैं। और ये बनी हुई है मूर्तियाँ यहाँ पे, मंडी मंडी बोलते हैं हम तो इनको। ये देखो, और ये मेन स्थान है हमारे बाबा का, इसको दिखाता हूँ आपको खोल के, ये बंद है। ये देखो यहाँ पे भी एक घंटी लगी हुई है, ये हमारा बाबा, जोत नहीं जली हुई, माचिस है, माचिस नहीं लेके आया हूँ, यहाँ पे भी नहीं है माचिस।
ये देखो ऊपर से कैसा है गुम्बद आकार का, और ये यहाँ पे दान पात्र रखा हुआ है, थोड़े दाने 2-4 हम ये आते हैं दाने लेके आते हैं, हम कैसा भी लेके आते हैं यहाँ पे, यहाँ थोड़े से डालते हैं और बाकी बाहर डाल देते हैं पक्षियों के लिए। चलो और दूसरे दिखाता हूँ आपको, अभी तो दोपहर का टाइम है इसलिए पक्षी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी रहते हैं। देखो ये उड़ गए कितने पक्षी, आपको दिखाई दिए होंगे थोड़े बहुत। थोड़े थोड़े डाल दिए सोने, बाद में बंद कर दिए। ये 2-3 मंडी है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बिल्कुल शांति, सिर्फ पक्षियों की आवाज, कितनी हरियाली है यहाँ पे एकदम। देखो अंदर मोर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं वो गया मोर, यहाँ पे एक पानी का तालाब भी है, दिखाता हूँ आपको वो भी। एक ये बाबा है, ये काफी बड़े बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे पीछे फूल भी लगाए हुए हैं, और ये देखो कितना अच्छा माहौल है। कहाँ लग रहे फूल मोनू? ये देखो यहाँ पे पानी का तालाब भी है, अभी थोड़ा सा पानी कम है लेकिन बहुत ज़्यादा भी होता है, कई बार ऊपर तक होता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो बच्चे यहाँ पे नहाने भी आते हैं, बच्चे भी बड़े भी, बच्चे तो कम ही आते हैं क्योंकि खतरा रहता है डूबने का। कितना बड़ा है ये नहर से कनेक्ट है सीधा, नहर से पानी आता है इसमें वहाँ से, वो देखो नहर से आया हुआ है, वो जो सामने दिखाई दे रहा आपको नहर से आता है पानी, और ऐसे नजदीक से दिखाता हूँ मैं, ये देखो मछलियां भी हैं इसमें छोटी छोटी, तो अब हम वापिस चल रहे हैं। ये वाटर कूलर है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ये चल रहा है, देखते हैं ठंडा पानी है कि नहीं है, ठंडा पानी है तो ठीक। ये मंदिर के पास है एक बहुत बड़ा सरकारी वाटर टैंक, पता नहीं क्या बोलते उसको, बनाया हुआ है, यहाँ से गांव में पानी जाता है फिल्टर होके, ये बहुत ज़्यादा है गहरा है और इसमें पानी फिलहाल तो कम पानी है लेकिन ऊपर तक जब आता है देखो कितना कितने ऊपर तक है ये। हम तीनों ने अपने माथे पे तिलक लगा लिया है जो कि काजल ने लगाया है, और अब हम वापस घर जाएंगे। मैं घर पहुंच चुका हूं, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें, नए हैं सब्सक्राइब करें। ओके बाय।